फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर गाइड में। दोस्तों, अगर आप मई जून के इस समर वैकेशन में इस बार अगर आप आपकी फैमिली के साथ इंडिया के ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि समर वैकेशन में आप कहाँ कहाँ जाने का प्लान कर सकते हैं, वो भी कम बजट में। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट आता है नैनीताल। उत्तराखंड में 6,800 फीट की हाइट पर बसा हुआ ये बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, जहाँ जाना हर किसी को पसंद होता है। और साथ ही न्यूली मैरिड कपल के लिए ये हनीमून मनाने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। यहाँ जाने के लिए दिल्ली से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी या फिर आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं, जहाँ से नैनीताल 35 किलोमीटर दूर है। नैनीताल के लिए आपको 2 नाइट 3 डेज का प्लान सफिशियंट होगा और यहाँ खर्चा आपको 7 से 8 हज़ार रुपये तक पर पर्सन के हिसाब से आ सकता है। आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं मैं वो बताती हूँ। तो यहाँ आप नैना देवी टेम्पल, नैनी लेक, इको केव पार्क, स्नो व्यू पॉइंट, टिफिन टॉप, मॉल रोड और भी कई ब्यूटीफुल प्लेसेस है जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ कैची धाम आश्रम भी जा सकते हैं और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अगर आपके पास टाइम सफिशियंट हो तो आप जा सकते हैं। सेकंड आता है श्रीलोंग, जो कि मेघालय में है। यहाँ जाने के लिए आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आना होगा। यहाँ से श्रीलोंग की दूरी 135 किलोमीटर दूर है और यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट श्रीलोंग में ही है। अगर आप डायरेक्ट बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट श्रीलोंग आ सकते हैं। यहाँ आपको 3 नाइट 4 डेज का टूर प्लान करना होगा, उसके लिए आपको 8,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से खर्चा आ सकता है। यहाँ आप उमन लेक, एलिफेंट वाटरफॉल, वॉट्स लेक, नोका कालीकाई फॉल, लेडी हैदरी पार्क, श्रीलोंग पीक और भी कई ब्यूटीफुल प्लेसेस है जहाँ विजिट कर सकते हैं, तो यहाँ भी एक बार जरूर जाइए। नेक्स्ट आता है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख इंडिया का सबसे एडवेंचरस टूरिस्ट प्लेस है। ज़्यादातर लोग लेह लद्दाख में बाइक ट्रिप से आना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ HRTC की बसेस भी लेह लद्दाख तक जाती है, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ टूर ट्रेवल कंपनी पैकेजेस के थ्रू भी यहाँ जा सकते हैं। यहाँ के लिए आपको 25 से 30 हज़ार तक का खर्चा आ सकता है और यहाँ आपको मिनिमम 6 नाइट 7 डेज का टूर प्लान करना होगा। दोस्तों, आप यहाँ शांति स्तूपा, लेह पैलेस, पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली, हेमिस नेशनल पार्क, लंस्कर वैली घूमने के लिए जा सकते हैं और भी टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि मई जून में भी घूमने के लिए कितनी ब्यूटीफुल प्लेसेस है इंडिया में, जहाँ आप कम बजट में आसानी से घूम सकते हैं। एक बार अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ जरूर विजिट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।